वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और अपने जमाने की बहुत ही मेहनती और बहुत ही डाउन टू अर्थ अभिनेत्री निरूपा राय के बारे में, जो कि अपने मेहनत के बल पे और अपनी जो उनकी अभिनय की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, अपने रोल को वो बाखूबी निभाया। तो दोस्तों, बॉलीवुड के वैसे तो कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। उनमें से कुछ किरदार ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने अपने किसी किरदार के चलते लोगों के जहन में अपनी इमेज भी वैसे ही बना ली। स्टार के द्वारा निभाए गए जो किरदार हमारे आम जीवन का हिस्सा ही बन जाते हैं। ऐसे ही एक किरदार है निरूपा राय। हम सभी निरूपा राय को एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पे जानते हैं। इसके साथ ही निरूपा राय को बॉलीवुड की माँ के नाम से भी जाना जाता है। और बिग बी जो है वो तेजी बच्चन के बेटे तो हैं ही, और साथ में निरूपा राय को भी वो अपनी माँ मानते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो निरूपा राय का जन्म जो हुआ था 1931 में एक गुजराती फैमिली में हुआ। निरूपा राय का बचपन का नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। निरूपा राय की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, उनके पति का नाम कमल राय था और वे शादी के बाद ही मुंबई आई थी। उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम योगेश और किरण है। निरूपा राय को सबसे पहले 1946 के दौरान एक गुजराती अखबार के एड में देखा गया। इसके बाद उन्होंने एक गुजराती फिल्म के लिए ऑफर मिला। इस फिल्म के नाम में रनक देवी था और इस फिल्म में निरूपा राय को डायरेक्टर होमी बाडिया ने अपनी फिल्म अमरदास के लिए कास्ट किया था। इस फिल्म में निरूपा राय के हीरो त्रिलोक कपूर थे। त्रिलोक और निरूपा राय की जोड़ी को इन लोगों को बहुत ही अच्छा पसंद किया। इन दोनों स्टार्स के साथ 18 फिल्मों में काम किया। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में निरूपा राय ने कई देवियों वाले रोल किए। इसके बाद लोग उन्हें देवी समझने लगे थे, उनका आशीर्वाद भी लेने लगे थे। इसके बाद निरूपा राय को बॉलीवुड के कई रोल ऑफर हुए, लेकिन सबसे अधिक फिल्मों में माँ के किरदार निभाने को इनको मिला। इन माँ के किरदारों के लिए निरूपा राय को बॉलीवुड की माँ का तक कहा जाने लगा। निरूपा राय ने 16 फिल्मों में प्ले किया। इसके साथ ही वो एक फिल्म जिनमें बोल्ड सीन भी किया था। दोस्तों, उनके कुछ दशक की बात की जाए तो निरूपा राय को लोग रानी की तरह मानने लग गए थे। निरूपा राय को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ ही जितेंद्र जैसे कई स्टार्स के साथ काम करते हुए देखा गया। अमिताभ बच्चन के साथ निरूपा राय ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वे किसी भी फिल्म में अमिताभ की प्रेमिका नहीं बनी। उन्होंने सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ बनी। निरूपा राय ने बॉलीवुड की करीब 250 फिल्मों में काम किया। दोस्तों, उनके लिए निरूपा राय को सन 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, निरूपा राय को साल 2001 के दौरान दहेज मांगने के अपराध में अरेस्ट भी किया गया था। उनके साथ ही उनके पति कमल रॉय और बेटे किरण रॉय को भी जेल हुई थी। एक्ट्रेस पर उनकी ही बहू उना रॉय ने दहेज उत्पीड़न का केस किया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। निरूपा राय का 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो इस तरह से उनका फिल्मी करियर ग्राफ और पर्सनल लाइफ रहा दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो वीडियो शेयर किया उनके बारे में जानकारी दी आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।